नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए कोरोना पॉजिटिव, इथेनॉल प्लांट के लिए 29 उद्यमियों ने किया आवेदन, 17 स्वीकृत। इंटर में एडमिशन के लिए बढ़ाई गई तिथि। बिहार प्रशासनिक सेवा के 38 ऑफिसर बनेंगे IAS। कारगिल दिवस के मौके पर PM ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए कोरोना पॉजिटिव, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना के बढ़ते और घटते मामलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। CM अपने आवास में होम आइसोलेशन में चले गए हैं। पिछले 2 दिनों से CM नीतीश कुमार बीमार चल रहे थे। यही वजह है कि कई कार्यक्रमों के साथ साथ वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से भी अलग थे। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के पटना आगमन पर कई मंत्री कोरोना संक्रमण की वजह से उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि मुख्यमंत्री में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रिकवरी तेजी से हो रही है। दिवस के मौके पर PM ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। आज यानी 26 जुलाई को देश भर में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। मालूम हो कि साल 1999 में कारगिल युद्ध में देश के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध का कोड नाम ऑपरेशन विजय था। यह युद्ध लगभग 60 दिनों से ज्यादा चला था और 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। 26 जुलाई के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा कब्जाई गई चौकियों पर तिरंगा फहराया था। प्रधानमंत्री हर साल अमर जवान ज्योति में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं इस मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने भी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कारगिल दिवस माँ भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। इथेनॉल प्लांट के लिए 29 उद्यमियों ने किया आवेदन, 17 स्वीकृत। बिहार इथेनॉल प्लांट का हब बनने जा रहा है। राज्य में 17 कुल प्लांट लगने वाले हैं। वहीं 17 में से पहले देश का पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ पूर्णिया के कृत्यानंद नगर के परोरा में इसी साल अप्रैल महीने में हुआ था। इसके अलावा 3 और इकाइयां, जिनमें 2 गोपालगंज में है और 1 आरा में है, इनका भी शुभारंभ जल्द होने वाला है। वहीं अब खबर यह है कि वर्तमान में स्थापित इथेनॉल प्लांट से 12.2 करोड़ लीटर प्राप्त हो रही है। वही जरूरत के मुताबिक शेष 18.5 करोड़ लीटर तेल के लिए विपणन कंपनियों ने अगस्त 2021 में विज्ञापन निकाला था, जिसके बाद बिहार के उद्यमियों ने 29 प्लांट के लिए आवेदन दिया था, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 182.85 करोड़ लीटर है। तेल कंपनियों ने 29 आवेदन में से मात्र 17 को स्वीकृति दी है, जिसकी उत्पादन क्षमता 34.62 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष है। इंटर में एडमिशन के लिए बढ़ाई गई तिथि। 2022-24 सत्र में इंटर में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना है। वैसे छात्र या छात्राएं जिन्होंने किसी कारणवश इंटर में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, वो 27 जुलाई 2022 तक बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट OFSSBihar.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि CBSE और ICSE के द्वारा जारी किए गए 10वीं के रिजल्ट के बाद बिहार बोर्ड ने नामांकन की समय सीमा को एक्सटेंड कर दिया है, जो कि बढ़कर 27 जुलाई कर दी गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 38 ऑफिसर बनेंगे IAS। बिहार प्रशासनिक सेवा BPSC के 38 अधिकारियों को सितंबर माह तक प्रमोशन मिलने जा रहा है, जिसके बाद ये सभी अधिकारी IAS के पद पर कार्यभार संभालेंगे। पटना के राजकीय अतिथिशाला में हुई बैठक में राज्य के मुख्य सचिव समेत संबंधित आला अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। हालांकि इसकी अंतिम रूप से अधिसूचना जारी होने से पहले इस पर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार के स्तर से एक बार अनुमति मिलेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन सभी 38 अधिकारियों को 2018 और 2019 की रिक्तियों के आधार पर प्रमोशन दिया जा रहा है। वहीं 2020 और 2021 के लिए 39 BPSC के पदाधिकारियों से IAS के लिए प्रमोशन की पहल अगले वर्ष 2023 में शुरू की जाएगी। इस योजना से लोगों को लाभ पहुंचाएंगे जीविका दीदी। जीविका का अर्थ ही होता है जीवन निर्वाह का साधन, यानी रोजी। जीविका के माध्यम से हर एक महिलाएं एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा आगे आती हैं और इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने घर को आर्थिक तौर पर संभाल रही हैं। बिहार में जीविका दीदी ने ना जाने कितने कामों को संभाल रखा है। फिलहाल जीविका दीदियों को एक नया काम मिला है, जिसके तहत जीविका दीदी मुर्गी के चूजे और अंडे के व्यापार में भी आगे बढ़ेंगी। इसको लेकर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने योजना लागू की है।
विभाग द्वारा आदेश में यह कहा गया है कि 11,948 जीविका दीदी परिवार को अनुदानित प्रति 10 रुपये चूजा की दर से 45-45 चूजे दिए जाएंगे। इसके लिए कौन से परिवार का चयन इस योजना के लिए किया जाएगा, इसका चयन जीविका दीदी करेंगी। वहीं कोरोना से प्रभावित घरों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही इन चूजों का उपयोग लाभुक अंडों के उत्पादन में ही करेंगे। अब सभी शहरों में चलेंगे सीएनजी बसें। बिहार सरकार सीएनजी से संचालित होने वाले वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में अब बिहार की राजधानी पटना में ही नहीं बल्कि अब सभी शहरों में सीएनजी बस चलाई जाएंगी। इसको लेकर अब अन्य जिलों में भी नए सीएनजी स्टेशन खोलने और पाइपलाइन बिछाने की तैयारी की जाने लगी है। राज्य परिवहन विभाग ने पिछले दिनों सीएनजी प्रदाता गेल, IOCL थिंक गैस और IAGPL के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि मौजूदा सीएनजी स्टेशनों की स्थिति क्या है। इसके अलावा नए सीएनजी स्टेशनों की स्थापना और पाइपलाइन बिछाने की भी समीक्षा की गई, जिसमें सभी शहरों में सीएनजी बस चलाने की बात कही गई है। वहीं मौजूदा सीएनजी स्टेशन पर सीएनजी की सप्लाई बढ़ाने को कहा गया है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बढ़ाई गई सीटों की संख्या। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1560 सीटें बढ़ाई गई हैं, वहीं पॉलिटेक्निक के कॉलेजों में 480 सीटें बढ़ाई गई हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुल सीटों की संख्या बढ़कर 11,408 हो जाएंगी, वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में यह संख्या बढ़कर 12,685 हो जाएगी। आपको बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ही इन बढ़ी सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन होगा। जानकारी आपको बता दें कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 27 इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए कोर्स की अनुमति दी है। अधिकतर नए कोर्स में 60-60 तो कुछ में 30 विद्यार्थियों का नामांकन हो सकेगा। 55 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को बनाया गया विशेष न्यायालय का जज। सरकार ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के जजों को विशेष उत्पाद न्यायालय में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक की अनुशंसा के आलोक में 55 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को विशेष न्यायालय का जज बनाया गया है। अररिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार को विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या 1 अररिया में नियुक्त किया गया है। औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय कुमार सिंह को औरंगाबाद विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या 1 का दायित्व दिया गया है। इसके साथ ही कुल 55 जजों की सूची जारी कर दी गई है। 2000 पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बिना हाजिरी लगाए उठा रहे हैं वेतन। बिहार के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हो या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, इन दिनों इन सभी के कार्यों की पोल खुल रही है। दरअसल राज्य से कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में कुछ डॉक्टरों ने बिना किसी मरीज के इलाज के पूरे 1 महीने का वेतन लिया है। वहीं अब प्रदेश के पोस्ट ऑफिस से यह खबर आ रही है कि करीब 2000 पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने बिना हाजिरी लगाए वेतन उठा रहे हैं। सभी पोस्ट ऑफिसों में तैनात कर्मचारियों को ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है, मगर सैकड़ों कर्मचारी इससे बच रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों में अपनी ड्यूटी समय पर नहीं निभा रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। पटना मेट्रो निर्माण के लिए हटाए जाएंगे इतने मकान। पटना मेट्रो निर्माण के रूट में आ रही 23 मकान तोड़े जाएंगे। दरअसल राजधानी पटना में मेट्रो को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि मेट्रो रूट के बीच आ रहे पहाड़ी और रानीपुर मौजा में 23 मकानों की वजह से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनको हटाने की बात कही गई है। हटाने की खबर सुनकर स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं पटना मेट्रो की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अलाइनमेंट को परिवर्तित करने में काफी खर्च होगा, इसलिए मकान का मुआवजा देकर उसे हटा दिया जाए। मुआवजा दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा गया है। राशि आवंटित होने के बाद सभी मकान को वहां से हटाने का काम शुरू किया जाएगा। बिहार की इस बेटी ने 30 दिनों में तय की 38 जिलों की दूरी। बिहार की बेटी अर्पणा सिन्हा ने अपनी साइकिल से पूरे बिहार का भ्रमण कर अपने आखिरी पड़ाव पर नवादा पहुंची, जहां अनुमंडल कार्यालय में SDO उमेश कुमार भारती ने उन्हें बुके देकर अच्छी तरह से स्वागत किया। 30 दिनों में अर्पणा सिन्हा ने 3,000 किलोमीटर की दूरी तय कर पूरे बिहार का भ्रमण किया है। अपर्णा सिन्हा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने गृह जिला नालंदा इस यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि 30 दिनों में 3000 किलोमीटर की यात्रा कर आज नवादा पहुंची हूं। बिहार भ्रमण में नवादा मेरा 38वां जिला है। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य महिलाओं के झिझक को दूर करना और समाज में दबे कुचले महिलाओं को जागरूक कर उनमें जज्बा पैदा करना है। इस जिले के 573 वार्डों में डोर टू डोर कचरा उठाने का काम हुआ शुरू।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही आज ऐसा एक दिन आया है जब हर घर से कचरा उठाकर एक उचित स्थान पर फेंका जा रहा है, जिससे हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रह सके। इसी कड़ी में पटना जिले के पंचायतों के कुल 573 वार्डों में डोर टू डोर कचरा उठाने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए जिले में 64 स्वच्छता सुपरवाइजर और 91 ई रिक्शा का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही कचरा प्रबंधन के लिए इन क्षेत्रों में 115 पंचायत स्तर पर स्वच्छता कर्मी भी काम कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर डीडीसी तने सुल्तानिया की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने डोर टू डोर कचरा उठाने का जायजा लिया। इस बैठक में डीडीसी ने 15 अगस्त तक जिले में 19 कचरा प्रसंस्करण इकाई का निर्माण पूर्ण करने का निर्देश दिया है। जो नहीं कर पाए कपिल देव से लेकर धोनी और विराट, क्या वो कर दिखाएंगे धवन? भारतीय क्रिकेट टीम ने आज तक कभी वेस्टइंडीज में किसी वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप नहीं किया है। इस सीरीज में पहले भारतीय टीम वेस्टइंडीज में 9 वनडे सीरीज खेल चुकी है, लेकिन एक बार भी क्लीन स्वीप करने का मौका नहीं मिला है। कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे कप्तानों की अगुवाई में जो काम टीम इंडिया नहीं कर पाई है, क्या वह शिखर धवन की अगुवाई में कर पाएगी? रोहित शर्मा को वनडे सीरीज से आराम दिया गया और उनकी जगह पर शिखर धवन टीम की कमान संभाल रहे हैं और अपनी अगुवाई में टीम को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाकर पहले ही जीत दर्ज कर ली है। हालांकि इंडिया के लिए इतिहास रचना बहुत आसान तो नहीं होने वाला है। मैच 27 जुलाई को शाम 7 बजे से होना है। देश के साथ साथ बिहार में कोरोना संक्रमण दर में आई कमी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी मंगलवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 14,866 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत की रिकवरी रेट 98.47% है। पिछले 24 घंटे में 18,159 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में कुल 355 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 94 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मैकाल मुर्मू, उमेश ऋषिदेव, कविता कुमारी, गोल्डन कुमार, बासुकी पंजियाड़ा, अनमोल पुष्कर, नितेश कुमार, सिद्धार्थ कुमार, राजीव कुमार, विनोद महात्मा, मोहम्मद नौशाद, पवन मिश्रा और संजीत कुमार सुमन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव-गांव और शहर-शहर में स्वच्छता को लेकर किए जा रहे इंतजाम से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।